अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड़िया फैशन फूड फैक्ट्री। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम दुपट्टे के ऊपर गुम सिलाई से लेस किस तरीके से लगा सकते हैं। ये मेरे पास क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है, इसके चारों तरफ मुझे ये लेस अटैच करनी है। तो ये मैंने 8 गज लेस ली है, ये उल्टी तरफ है लेस की। इसके ऊपर दुपट्टे की सीधी साइड इस तरीके से हम रखेंगे, कॉर्नर से थोड़ा हटा के लगाना शुरू करूंगी ताकि जब हम कॉर्नर बनाए तो चारों कोने एक जैसे बने। यहां से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ तक इस लेस को मैं इसी तरीके से अटैच कर लूंगी। अब दुपट्टे के ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ, यहाँ तक हम सिलाई को लाके खत्म करेंगे और पक्का कर लेंगे। 1 इंच चौड़ी लेस है जहाँ पे दुपट्टा खत्म हो रहा है, यहाँ से आगे 1 इंच पे मैं मार्क लगा रही हूँ। अब दुपट्टे पर जो निशान लगा हुआ है यहाँ तक लाके सिलाई को पक्का कर रही हूँ, और उसके बाद सिलाई को हम दोबारा उस पॉइंट से लगाना शुरू करेंगे जहाँ लेस के ऊपर मैंने निशान लगाया है 1 इंच का गैप देके। यहाँ पर आप गौर से देखिए कि मैं किस तरीके से दुपट्टे का जो कॉर्नर है उसको निशान के ऊपर रखकर, लेस के ऊपर जो निशान है उसके ऊपर रखकर मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी दुपट्टे की दूसरी साइड पर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉर्नर मैंने किस तरीके से बनाया है। ये 1 इंच का जो है बीच में गैप है, ये गैप जब हम इसको मैं सीधा करके लगाऊंगी तो इसको मैं अंदर की तरफ कर दूंगी। इस तरीके से ये कॉर्नर बन जाएगा। बस अब लेस को इसी तरीके से मैं दूसरे कॉर्नर तक लगाऊंगी और इसी तरीके से हम चारों कोने बनाएंगे। यहाँ से मैंने लेस लगाना स्टार्ट की थी, इसका कॉर्नर कैसे बनेगा आप ये देख लें। इस लेस में जोड़ आ रहा है, सुई धागे से मैं इसे टांके लगा दूंगी, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसका कॉर्नर भी ऐसे बनेगा। लेस को मैंने ऊपर की तरफ कर दिया है, ये ऐसे थी उल्टी तरफ, इसको मैंने ऐसे टर्न कर लिया सीधी तरफ। अब इस किनारे पे हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। दुपट्टे पर लेस मैंने लगा ली है गुम सिलाई से, ये इसकी फाइनल लुक है, ये इसके बैक साइड है। ये इसका कॉर्नर है। चारों कॉर्नर इसके इसी तरीके से बने हैं।
उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।